टोरेंट पावर कंपनी की विजिलेंस टीम बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए आए दिन छापेमारी कर रही है। विजिलेंस टीम ने दो जगहों पर छापेमारी कर 9,28,518 रुपए की बिजली चोरी का खुलासा करते हुए तीन लोगों के खिलाफ शांति नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार टोरेंट पावर कंपनी विजिलेंस टीम कर्मचारी व्हीकल संजय कुमार घीवाला ने समद नगर स्थित राविया हाई स्कूल के पीछे अब्दुल शकूर अपार्टमेंट मकान नंबर 65 के तीसरे मंजिल पर छापेमारी कर बिजली उपभोक्ता मुक्ताक अहमद जैस मोहम्मद मोमिन और बिजली का उपयोग कर रहे मुस्तकीम मोमिन को बिजली चोरी करते हुए पाया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों ने 21 मई 2021 से 20 मई 2022 तक अपने आर्थिक फायदे के लिए बिजली मीटर के इनकमिंग केबल में अवैध रूप से बिजली कनेक्शन कर 17,656 यूनिट बिजली इस्तेमाल कर लगभग 4,56,792 रुपए की बिजली चोरी की। दूसरी घटना में टोरेंट पावर कंपनी कर्मी मीनल भीमराव ताड़े ने कारीवली रोड नालापार बसेरा होटल के पास स्थित घर क्रमांक 526 के तीसरे मंजिल पर छापेमारी कर मकान मालिक सलमान अंसारी को बिजली चोरी करते हुए पाया गया। पुलिस के मुताबिक सलमान अंसारी ने 17 मई 2021 से 16 मई 2022 तक अपने आर्थिक फायदे के लिए टोरेंट कंपनी के मिनी सेक्शन पिलर से अवैध कनेक्शन कर 18,091 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हुए 4,71,728 रुपए की बिजली चोरी की है। मेट्रो मुंबई ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सहनसा मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।